जब डायनासोर्स अर्थ से चले गए देन अर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ एंड अर्थ ह्यूमंस के रहने लायक कैसे हो गई। लेकिन उससे पहले पार्ट वन का रिकैप देख लेते हैं। अभी तक हमने जाना कि कैसे एक मैसिव इवेंट के बाद क्या क्या चेंजेस आए, अर्थ की लाइफ को कैसे अफेक्ट हुआ एंड कैसे सारे डायनासोर्स खत्म हो गए एंड कैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो गया। एस्ट्रॉइड के गिरने से अर्थ पर सब बिगड़ गया, लेकिन फिर लाइफ फॉर्मेशन हुआ कैसे, आज हम यही बात करने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखें एंड अगर पार्ट वन आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज पहले पार्ट वन आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लें। एंड अगर आपके पास कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो एंड साथ में आपका नाम जरूर मेंशन करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हम हर वीक ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक पर वीडियो लाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऐसे ही साइंस में अपडेटेड रहें। सो लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड कि डायनासोर्स के बाद अर्थ पर लाइफ फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया तब सब कुछ बदल गया, वो भी कुछ ही देर में। लेकिन इसके इम्पैक्ट से अर्थ को बाहर आने में मिलियंस ऑफ इयर्स तक लग गए। वाटर इकोसिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सरवाइव कर गए, जैसे टर्टल्स जो आगे चल के कई एनिमल्स के एंसेस्टर भी बने। इस एटमॉस्फेयर में सरवाइव करना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी अर्थ में लाइफ ने सरवाइव कर ही लिया। अर्थ के सभी बड़े एनिमल्स तो नहीं बच पाए, लेकिन कुछ जो छोटे थे उन्होंने अर्थ को फिर से रिपॉपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। फोरा मिनीफेरा पहला था जिसने रिकवर करना स्टार्ट किया था। इसके कई सालों के बाद फर्न ने अर्थ पर फैलना स्टार्ट कर दिया एंड ऑलमोस्ट सभी जगह वो फैल गई। लेकिन अभी भी जो कुछ बड़े मैमल्स थे उनके लिए फूड सफिशिएंट नहीं था, लेकिन सिर्फ छोटे एनिमल्स जिनका वेट 600 ग्राम से भी कम था वो सरवाइव कर गए। लेकिन कुछ 100,000s ऑफ इयर्स के बाद मैमल्स फिर से बढ़ने लग गए एंड फर्न भी आगे जाके पाम फॉरेस्ट से रिप्लेस हो गए एंड अब फूड की भी कमी नहीं थी एंड अर्थ भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। ऑलमोस्ट 200,000s ऑफ इयर्स के बाद मैमल्स की डाइवर्सिटी 3 times तक बढ़ गई एंड अब अर्थ पर फूड की कमी नहीं थी एंड इसका फायदा मैमल्स को मिला, इसलिए उनका साइज एंड शेप दोनों ही चेंज होते गए। ऑलमोस्ट 700,000s ऑफ इयर्स के बाद अर्थ पर बींस थी जो उस टाइम के एनिमल्स के लिए प्रोटीन बार का काम करती थी। इससे एनिमल्स की डाइवर्सिटी और ज़्यादा बढ़ गई एंड अब अर्थ पर कई तरह के एनिमल्स इवॉल्व हो चुके थे। ये एनिमल्स का वेट ऑलमोस्ट 100 times ज़्यादा था उनसे जो फर्न के पीरियड में एनिमल्स थे। अभी ह्यूमंस का कोई भी चांस नहीं था एंड ह्यूमंस को आने में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम था। इवोल्यूशन लगातार तेजी से बढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगा वाटर इकोसिस्टम को एंड ऑलमोस्ट 3 million years के बाद वाटर लाइफ भी रिकवर हुई एंड अर्थ में लाइफ फिर से नॉर्मल होने लगी। लेकिन बहुत सारे इवोल्यूशन के बाद फाइनली ह्यूमंस अपीयर हुए, लेकिन ये शायद कभी पॉसिबल नहीं होता अगर एस्ट्रॉइड अर्थ से नहीं टकराता। उस इवेंट ने ही ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को ट्रिगर किया, इसलिए आज हम यहाँ हैं। लेकिन अगर वापस ऐसा एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया तो शायद आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि क्या होगा। साइंटिस्ट लगातार कुछ ना कुछ पता लगाते रहते हैं जो भी फॉसिल्स उन्हें मिलते हैं। डायनासोर्स के टाइम के फॉसिल्स से ही हमें उनके बारे में पता चला था, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेकिन कमेंट जरूर करें, इसे अपने दोस्तों का शेयर करें एंड प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टिल देन अपना साथ बनाए रखिए एंड वॉच अंडर द साइंस।